वेलकम एवरीवन। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और डाउट आए हैं तो बता दीजिएगा और सब कर दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री एंड पोस्ट बहुत ही इजी चैप्टर है, ये कितने दिन के अंदर हो जाएगा। देखो अभी इसमें क्या होता है, हम यहाँ तो क्या कर सकते हैं, कंपनी जो है वो कंपनी से पहले हम क्या कर रहे थे, हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस कर रहे थे और अब हमने क्या किया कंपनी के रूप में कन्वर्ट किया है, या फिर हो सकता है कोई आइडिया आया फिर उसके ऊपर हमने बिजनेस शुरू कर दिया और बिजनेस शुरू करने के बाद में हमने क्या किया कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। अब कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उससे पहले बिजनेस तो शुरू हो ही रखा होता है। अब सपोज हमने क्या किया, बिजनेस है जो 1 अप्रैल से शुरू कर दिया, बिजनेस जो वो 1 अप्रैल से शुरू कर दिया और हमें सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस भी मिल चुका था। 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया और हमने कहा कि हम बिजनेस जो है वो कंपनी के रूप में करेंगे, तो हमने क्या किया आरओसी के साथ अपने डॉक्यूमेंट है जो फाइल किया और हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। ये मिला सपोज हमें 1 जून को और फिर हमने क्या किया ईयर क्लोज किया 31 मार्च। क्लियर है? तो जब 31 मार्च को क्लोज किया तो उस केस में क्या होगा, ये अपना टोटल ड्यूरेशन होगा, ये क्या होगा टोटल ड्यूरेशन। क्लियर है? अब जब हमारी अकाउंट्स के अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उसी दिन से हमने अकाउंटिंग शुरू कर दी 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक हमने कंप्लीट किया, लेकिन हम लीगली ये कंपनी है जो एग्जिस्टेंस में कब आई है, 1 जून का एग्जिस्टेंस में, उससे पहले एग्जिस्टेंस में थी क्या, नहीं। तो 1 अप्रैल से लेके हमारे जो अकाउंट है वो क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, नेक्स्ट 31 मार्च ये सपोर्ट 2020 से शुरू करते हैं, 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 1 मार्च 2021 तक का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई चेंज आया नहीं। अब हमें पता है कि इसमें से 1 जून जो है उससे पहले जो है वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, इससे पहले कंपनी थी क्या, नहीं, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो यहाँ तक के जो आइटम है वो कंपनी में आने चाहिए क्या, नहीं आने चाहिए, और यहाँ का जो है इसके बाद का ये क्या है, यहाँ पर क्या थी, हमने बिजनेस कैसे कर रहे थे, कंपनी के फॉर्मेट में कर रहे थे, हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, तो इससे आगे वाले जो है वो क्या है कंपनी के अकाउंट में आने चाहिए। तो कंपनी से पहले जो भी इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी हम करते हैं वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, इस साइड के अंदर आ जाएगा और उसके बाद का यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास अकाउंटिंग जो है सेल जो है वो तो कब से, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की है। क्लियर? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, क्योंकि बुक तो वही मेंटेन की। अब हमें क्या करना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दो हिस्सों में, कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई उससे पहले कितने का कितने की सेल और उसके बाद की कितनी सेल, वैसा वैसे हर इनकम जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई उससे पहले कितनी और उसके बाद कितनी, हर इनकम जो कंपनी एग्जिस्टेंस में उससे पहले की कितनी और उसके बाद की कितनी। क्लियर? और फिर जो प्री वाली होगी उनको क्या किया जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन, और ये जो है क्या किए जाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब प्री इनकॉर्पोरेशन को क्या किया जाएगा, हम फिर क्या करेंगे हमारे बुक के अंदर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको, हम क्या करेंगे बुक के अंदर एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको एक अमालगमेशन वाली एंट्री है, उसके हिसाब से भी हम आपको समझाएंगे, अभी देखते हैं। ठीक है? तो सर ये तो चैप्टर काफ़ी ईजी हो गया, इसके अंदर तो क्या करना है, सारे आइटम को प्री और पोस्ट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ ये बहुत ईजी है। क्लियर? इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल जो आपका लॉजिक कॉमन सेंस है उस कॉमन सेंस के हिसाब से ये हो जाएगा भाई। जो सेल्स से रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उनको क्या करेंगे, सेल्स रजिस्ट्रेशन बांटेंगे, जैसे कमीशन सेल पे कमीशन है 10%, तो प्री में जितनी सेल है उसका 10% प्री में चला जाएगा, जितना पोस्ट है उसका 10% पोस्ट में चला जाएगा, या फिर परसेंटेज नहीं भी दे रखे तो ये सेल से डायरेक्टली रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में बांट देंगे। कुछ एक्सपेंडिचर जो हमने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग में पड़ा, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं,
कि जैसे टाइम होता वैसे ही वो इनकर होते हैं, जैसे रेंट हो गया तो रेंट को हम क्या करेंगे टाइम के हिसाब से क्या करेंगे प्री और पोस्ट के अंदर बांट देंगे। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो क्लियरली पता चल जाते हैं कि पोस्ट के ही हैं, जैसे कंपनी ऑडिट की फीस है, क्यों कंपनी जब इनकॉर्पोरेट नहीं हो तो उससे पहले तो कंपनी ऑडिट हो ही नहीं सकती, तो ये पोस्ट के अंदर जाएगा पूरा। टैक्स ऑडिट है तो वो सेल से रिलेटेड है, टैक्स तो किस पे लगता है सेल के ऊपर लगता है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो वो सेल के रेशियो में मान देंगे, तो बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से। और कुछ आइटम ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली प्री के अंदर ही जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई परचेज किया, बिजनेस परचेज किया था, सपोज हमने 1 अप्रैल 2020 को 1 जून तक हमने क्या कर दिया था उसका सेटलमेंट कर दिया था, पेमेंट कर दिया था, इतने पीरियड के बीच में हमें क्या लगा कुछ इंटरेस्ट लगा, मतलब 1 अप्रैल को जैसे सोचा वो पेमेंट करना था लेकिन हमने किया नहीं और 1 जून को किया, तो 2 महीने का हमने क्या करना पड़ा ब्याज देना पड़ा। तो ये पूरा स्पेसिफिकली अगर प्री से रिलेटेड है तो प्री में भी डालना पड़ सकता है, क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ समझते हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है सेल्स रेशियो में, भाई ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है, तो आपको इसको क्या करना है सेल्स रेशियो में। अगर सेल्स रेशियो नहीं दे रखा है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और अगर वो भी नहीं दे रखा है तो फिर मजबूरी में हमारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो हमें टाइम रेशियो में। वेरिएबल एक्सपेंसेस, देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्टली किससे लिंक होते हैं, सेल्स से रिलेटेड होते हैं, तो उसको क्या करेंगे सेल्स रेशियो में, जैसे कार्टेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन। अगर फ्रेट इनवर्ड है तो फ्रेट इनवर्ड किससे रिलेटेड है परचेज से, तो परचेज का अगर रेशियो दे रखा है तो परचेज के रेशियो में बांट देंगे, नहीं तो फिर हमें ज़बरदस्ती सेल्स के रेशियो में बांटना पड़ेगा, मतलब कॉमन सेंस यूज करना है इसके अंदर। ट्रेवलिंग एजेंट वगैरह ये सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो हो, वैसे तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो डिस्क्रिशनरी, ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग बढ़ाओगे तो सेल्स बढ़ेगी, लेकिन इसका लिंक माना जाता है इसीलिए हम क्या करते हैं इसको सेल्स रेशियो में बांटते हैं। बैड डेट्स हो गया, ब्रोकरेज हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर क्या यानी 100% सेल्स से रिलेटेड है, नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे इससे कुछ ना कुछ सूटेबल बेसिस लेना पड़ेगा, तो हमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। फिक्स्ड कॉमन एक्सपेंसेस, उसको क्या करेंगे टाइम रेशियो में, ये तो आपने मार्जिनल के अंदर भी पढ़ा था, तो वही कॉन्सेप्ट, कोई खास फर्क इसके अंदर है नहीं। एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जैसे इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल हमने बात की थी, अगर कोई स्पेसिफिकली प्री से रिलेटेड है तो प्री में चला जाएगा, और एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है तो उसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर चार्ज कर देंगे। ऑडिट फीस अगर कंपनी ऑडिट है तो पोस्ट के अंदर, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के बाद ही होगी, और टैक्स ऑडिट है तो टर्नओवर के बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन, सर ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन अलग से दिखाया, क्या कहना चाहता है, देखो सपोज हमने क्या किया 1 अप्रैल को 3 लाख में क्या किया बिजनेस परचेज किया, और उसका पेमेंट सपोज हमने कब कर दिया 1 जून को कर दिया, और उन्होंने कहा जब पेमेंट करोगे तब तक हम क्या करेंगे आपसे 10% का इंटरेस्ट लेंगे, तो यहाँ हमें इंटरेस्ट कितना लगेगा 3 लाख × 10% इंटू कितने महीने का, अप्रैल का लगेगा, मई का लगेगा, 1 जून को तो पेमेंट कर दिया तो 2 महीने 2/12, तो ये कितना हो गया 30,000 / 6 कितना हो गया ये 5,000 रुपीज़, तो ये पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा प्री में चला जाएगा, इज इट ओके। अब यहीं पर अगर हमने पेमेंट सपोज 1 जून की जगह हमने कब किया होता, 1 जुलाई को किया होता, तो उस केस में क्या होता है इंटरेस्ट कितना लगता 10% के हिसाब से 3 मंथ का लगता 7500। अब ये जो 7500 है क्या पूरा का पूरा प्रीम है, नहीं, देखो फिर इसको क्या करते हैं हम टुकड़ों में बांटते हैं, 1 जून तक का, 1 जून तक का कितना है 3 लाख × 10% × 2/12, ये 5,000 तो प्री में डालते हैं, और ये जो है 1 जून से लेके 1 जुलाई तक 1 महीने का जो है 3 लाख × 10% ये हम क्या कर देते हैं पोस्ट में डाल देते हैं, ये हम पोस्ट के अंदर चार्ज कर लेते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे प्री और पोस्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये दे रखा है लॉइन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/8/2011 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर सेफी विद एसेट फ्रॉम 1/4/2011, द अकाउंट ऑफ कंपनी वर क्लोज ऑन
31/3/2012। अब यहाँ पर डेट जो है वो थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखो हमने एसेट कब से लिए, 1/4/11 से, ठीक है। प्री का पोर्शन कब तक का है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब मिला हमें, 1/8/11, ठीक है। और फिर हमने अकाउंट कब बनाया, 31/3/12, ठीक है। तो प्री का पेड कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ। और ये कितना हो गया, सॉरी ये 4 मंथ और ये 8 मंथ, क्लियर। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरुआत में 15 महीने का भी बना दे, तो क्वेश्चन में डेटा जो अभी ध्यान से देखिए। द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक फॉर द ईयर वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ। वो कह रहा है कि पहले जो 4 महीनों में एवरेज सेल थी वो क्या थी, एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर वॉज ट्वाइस ऑफ द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ। अगर नेक्स्ट 8 मंथ के अंदर अगर एक्स सेल होती थी तो पुराने जो 2-4 महीने थे उसके अंदर कितनी होती थी, 2x, उसकी जस्ट 2 गुनी होती थी। तो प्री के अंदर कितना हो गया, 8x, और ये भी कितना हो गया, 8x। एक्स हटा दो तो भी आपका क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेल्स का रेशियो प्री में कितना है, 8, और पोस्ट के अंदर कितना है, 8, ठीक है। सो एक्स को हटाई दीजिए, बिना फालतू कन्फ्यूज करेगा। अगर यहाँ सेल है जो हर महीने 1 की होती थी, हर महीने सेल कितने की होती है, 2 की होती है, क्लियर। तो ये सेल्स का रेशियो क्या है, 1:1 आ जाएगा। वहीं पर टाइम का रेशियो जो है वो कितना है, 4:8, क्लियर। अब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस का क्या किया जाएगा। अब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस का एक बार समझ लीजिए। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कैपिटलिज्म ट्रांसफर करेंगे और फिर जो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस को गुडविल में चार्ज करेंगे। लेकिन ये ऐसा होगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका अमलगेशन कॉन्सेप्ट है, जो हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रीटमेंट भी देखेंगे। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन August 1, 2011। इट हैज एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2011। तो ये यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, बिजनेस कब से लिया है, 1 April 2011। क्लियर। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 द टोटल सेल्स वर 36 लाख, ठीक है। द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट, अच्छा इनकॉर्पोरेशन की भी डेट दे रखी है, इनकॉर्पोरेशन की डेट कब है, August 1, ठीक है। और ईयर 11-12 मतलब कब बनाया हमने, 31 March 2012 को अपना अकाउंट क्लोज किया, अप्रैल मई जून जुलाई। तो प्री में कितना है, 4 मंथ है, और यहाँ कितना है, 8 मंथ है। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वॉज हाफ ऑफ द वॉट देवर इन लेटर हाफ ईयर। वो कह रहे हैं पहले जो 6 महीने में सेल जो थी वो कितनी थी, फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको अलग से लिख देते हैं, ये जो है फर्स्ट 6 मंथ के अंदर कितने थे, द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वॉज द हाफ ऑफ व्हाट दे वर सेल वॉट देवर इन लेटर हाफ ईयर। वो क्या कह रहा है, सेल पर मंथ जो थी फर्स्ट हाफ ईयर वॉज हाफ ऑफ दैट देवर सेल इन लेटर हाफ ईयर। पहले जो 6 महीने में सेल अगर उनकी जैसे एक्स थी तो आगे वाले 6 महीनों में कितनी थी, 2x थी, समझ पा रहे हो। वो क्या कह रहे हैं, आगे वाले 6 महीनों में कितनी थी, जितनी सेल थी उसका पहले 6 महीनों में आधी सेल थी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे और मल्टीप्लाई बाई इसको भी 6 करोगे तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, पुराने में 6x है और उसके बाद वाले में 12x है। तो उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे,
सिक्स एक्स प्लस 12x दोनों मिला के सेल कितने की है 36 लाख। तो एक्स इज इक्वल टू कितने हैं 36 लाख डिवाइडेड बाय 18। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है पर मंथ कितना 2 लाख। तो पहले 6 महीने में कितना था 6 × 2 लाख कितना 6 × 2 = 12 और यहाँ कितना है 6 × 2 × 2 लाख एक्स की जगह 2 लाख। तो नेक्स्ट के अंदर कितना है 24 लाख। लेकिन क्या हमें इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए क्या? नहीं, हमें तो चाहिए कि फर्स्ट 4 मंथ के अंदर कितना, नेक्स्ट 8 मंथ के अंदर कितना। फर्स्ट 4 मंथ के अंदर सेल कितने के हिसाब से हो रही थी, एक्स के हिसाब से। फर्स्ट 4 मंथ के अंदर कितना हुआ 4 × 2 लाख कितनी 8 लाख। और नेक्स्ट 8 मंथ में कितनी है, इस नेक्स्ट 8 मंथ में से 2 मंथ तो कौन से एक्स वाले और बाकी 6 मंथ कैसे 2x वाले। तो शुरुआत वाले जो 2 महीने उनके अंदर कितना लगेगा 2 लाख पर मंथ इंटू 2 और बाद में 2 लाख इंटू 2 कितना 4x होने लगी सेल और ऐसे कितने 6 महीने। तो टोटल कितना हो गया इनका 4 लाख और 6 × 4 कितना 24 लाख। तो ये हो गया आपकी 28 लाख। तो ये आपने इस तरीके से क्या किया, सेल जो है उसको क्या किया, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर बांट दिया। ठीक है, अभी चाहो तो इसको रेशियो में बांटना चाहो तो बांट दीजिए 8:2। सेल्स रेशियो आपका कितना हो जाएगा 8:28। देख लीजिए आपका जीपी दे रखा है क्या यहाँ पर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्कआउट टू 2 लाख, नेट प्रॉफिट जो है वो 2 लाख दे रखा है और डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखा है, चाहिए इस तरीके से नहीं दे रखा है। देख सकते भी अटक क्यों रहा है, हाँ भाई क्लियर है। चलो देखते हैं बाद में सेल्स रेशियो का भी, यहाँ जीपी दे नहीं रखा है, बाकी सेल्स रेशियो हमने 8:28 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी वॉज 2 लाख वर्कआउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। जो कह रहे हैं कि हमने नेट प्रॉफिट है जो कितना कैलकुलेट किया 2 लाख रुपये, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, ये चार्जेस लगा दिए, डेप्रिसिएशन 1,23,000, डायरेक्टर फीस 50,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000, इंटरेस्ट ऑन वेंडर अप टू अगस्त 31st 5,000। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। तो अब देखो हमें क्या चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था ताकि हम क्या कर सकते थे, हर आइटम को हटा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है 2 लाख का है, लेकिन इसमें से हमने क्या किया, ये आइटम है जो लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन 1,23,000 लेस कर दिया, तो वापस क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। डायरेक्ट फीस कितने की लेस कर दी हमने 50,000 की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के 12,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने 78,000 के, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने 72,000 के, इंटरेस्ट ऑन वेंडर अप टू कितने का है 5,000। तो टोटल आपका क्रॉस प्रॉफिट कितना था 2 लाख प्लस 1,23,000 प्लस 50,000 12,000 प्लस 78,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000, ये आपका आ रहा है 5,40,000, 5,40,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना था, सेल्स रेशियो में, समझ आ रही बात, ग्रॉस प्रॉफिट किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। तो प्री में कितना चला जाएगा 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8/36 कितना हो गया 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 8/36 तो ये हो गया 1,20,000 और 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 28/36 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 28/36 कितना हो गया ये 4,20,000। तो ये हम यहाँ से कैसे करें, क्या करेंगे 1,20,000 और 4,20 शुरू करें। अब एक एक एक्सपेंडिचर को देखिए, डेप्रिसिएशन किसका सेल्स से रिलेटेड रिलेशन है क्या, ऐसा होता है कि सेल्स बढ़ जाती है डेप्रिसिएशन बढ़ा देते हैं, नहीं, टाइम के हिसाब से होता है, अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ का, 3 मंथ है तो 3 मंथ का, तो ये टाइम से रिलेटेड है। तो हमारा टाइम रेशियो क्या है 4:8 और सेल्स रेशियो क्या है 8:4
28, इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, 8 into 28 को 2 और 7 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यूजफुल है, डिप्रिसिएशन के लिए टाइम रेशियो, डायरेक्टर फीस, कंपनी नहीं थी तब तक, उससे पहले कोई डायरेक्टर था क्या, नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही होता है, तो ये पूरा किस में चला जाएगा, पोस्ट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये किस में जाना चाहिए, प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का एक्सपेंडिचर, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जानना किस में चाहिए, प्री में, लेकिन ध्यान समझिए प्री में नहीं होगा, ये क्या होगा, पोस्ट होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं, बात सही कह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन और होती है, पूरा पढ़ोगे तो क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होता है और जिनको कंपनी अडॉप्ट कर लेती है, जिनको कंपनी क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, मतलब मान लेती है और उनका पेमेंट बाद में खुद करती है, तो ये किस में आते हैं, पोस्ट के अंदर। हाँ जरूरी है इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए, लेकिन कंपनी इसको क्या कर देती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो ये एक्सपेंडिचर किस में आएंगे, पोस्ट के अंदर आएंगे, ये आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट के अंदर आएंगे। ऑफिस का एक्सपेंसेस का किससे रिलेशन है, टाइम से रिलेशन है, सेल से तो कोई मतलब नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल से मतलब है, तो सेलिंग सेल्स रेशियो में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन वेंडर अप टू 31st March। अब वेंडर को हमने जो ब्याज दिया वो कब तक का दिया है, सॉरी 31st अगस्त तक का, 31st अगस्त तक का, क्लियर है। वो क्या कह रहे हैं, वेंडर को जो ब्याज दिया 5000 का, वो हमने कब से कब तक के लिए दिया उसको, 1 जुलाई से लेके ये 31st अगस्त तक। अब 1 अगस्त तक का तो जो है वो तो क्या है, प्री के अंदर है और उसके बाद का पोस्ट के अंदर है, तो प्री के अंदर कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सो टाइम रेशियो क्या था, चेंज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी जुलाई तक, यहाँ 4 और ये 1, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 5000 है, 5000 में से क्या कर देंगे, प्री के अंदर कितना है, 4 है, और पोस्ट के अंदर कितना है, 1 है, तो इसको 4:1 में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4000, और ये कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में और कुछ भी है, नहीं। अब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या हो गया, कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, 120,000 -41,000 -26,000 -16,000, 120,000 -41,000 -26,000 -16,000 -4,000 33,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, किस कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, हमारे कैपिटल, ठीक है सर। अब ये बता दीजिए कैपिटल रिजर्व और गुडविल का क्या होता है, तो देखो आपने अगर अमालगमेशन चैप्टर पढ़ रखा हो कहीं, सुन रखा हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम असेट परचेज करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फिक्स असेट कितने के, सॉरी शॉर्ट के अंदर ही पढ़ते हैं उस एंट्री को, हम क्या कहते हैं, असेट अकाउंट किसी के, सपोज हमने क्या किया, किसी बिजनेस खरीद लिया, तो वहाँ हम एंट्री क्या करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। सपोज हमने 100 की असेट खरीदी और 40 रुपीज की लाइबिलिटी खरीदी, तो हमें पेमेंट कितना करना चाहिए था, 60 का पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि क्या होता है, कभी पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो एसेट ले रहे हैं वो हम किस पे ले रहे हैं, उनकी वैल्यू पे जो उन्होंने बुक के अंदर लिखा है, या जो हम बुक के अंदर, हमारी बुक के अंदर लिखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पेमेंट जो है वो कैसे डिसाइड होता है, नेगोशिएशन पे। जैसे ये कैलकुलेटर मेरी बुक के अंदर 5000 में लिखा है, तो क्या आप मेरे से 5000 में खरीदोगे क्या, नहीं, वो अपने बीच में नेगोशिएशन होगा और उसके हिसाब से प्राइस जो डिसाइड होगी। और इसको वापस में मेरी बुक के अंदर कितने पे लिखूंगा खरीद के, वो मेरी इच्छा पे, मैं जितने पे लिखना चाहूँ उतने पे लिख सकता हूँ, तो बुक वैल्यू अलग है और एक्चुअल पेमेंट वगैरह जो भी होता है वो नेगोशिएशन के हिसाब से होता है। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपने टू बिजनेस परचेज, आपने उसको कितने में 100 रुपये की एसेट खरीदी और 40 रुपये की लाइबिलिटी खरीदी और 60 रुपये पेमेंट करने थे, 60 रुपये पेमेंट किए। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि 100 रुपये की एसेट थी और 40 रुपये की लाइबिलिटी थी और आपने उसको क्या किया, 70 रुपये पेमेंट किया, आपने क्या किया उसको, 70 रुपये पेमेंट किए। तो जाहिर सी बात है 100 रुपये का एसेट लिया और 40 रुपये की लाइबिलिटी ली, मतलब कि नेट एसेट आपने कितने की ली, 60 रुपये। तो नेट एसेट 60 की लिए आपने 70 रुपये का पेमेंट किया, तो ऐसा था नहीं कि आप बेवकूफ़ थे जो आपने 70 रुपये पेमेंट किए, आपने 70 रुपीज़ पेमेंट किए होंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट किए होंगे,
तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उस कंपनी की क्या थी, गुडविल थी, इसीलिए आपने क्या किया उसको ज़्यादा दिया। समझ आ रही है भाई? एक नॉर्मल समोसे की दुकान है, वो अगर आप खरीदोगे तो ज़्यादा पेमेंट करोगे क्या? नहीं। एक जमी जमाई समोसे की दुकान है तो उसके अंदर आपको क्या कर रहे हो, ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो। तो वो ज़्यादा पेमेंट करते हो तो किस वजह से करते हो, उसकी गुडविल की वजह से। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप नेट एसेट ले रहे हो 60 की और उसकी जगह आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको नुकसान हो रहा है, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो क्योंकि वो दुकान है जो उसकी क्या होगी, कुछ गुडविल होगी। तो यहाँ पर उस केस के अंदर जो भी एक्सेस पेमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, गुडविल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने क्या किया, 100 की एसेट खरीदी, ठीक है, 40 की लाइबिलिटी ली, 60 का पेमेंट करना था, लेकिन आपने क्या किया, 50 रुपीज़ ही पे किया। आपने कितने पेमेंट किया, 50 रुपीज़ ही पेमेंट किया। तो 60 रुपये के सेट आपने 50 रुपये में खरीद लिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्या आपने ऐसा कभी सुना है, कहीं पे भी सुना है कि परचेज के वक्त प्रॉफिट हो जाए? नहीं, हम ऐसा कहीं पे भी नहीं सुनते कि परचेज के वक्त प्रॉफिट हो जाए। लेकिन यहाँ बिजनेस जब परचेज करते हो तो उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई एसेट जितने के लिए उनकी वैल्यू के हिसाब से आपने पेमेंट है जो थोड़ा कम किया हो। तो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान है, सॉरी, ये जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट, हमने बिजनेस करके तो कमाया नहीं। समझ आ रही बात? ये एसेट को परचेज करके हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो इस जो प्रॉफिट है उसको हम नॉर्मल रिजर्व के जैसा नहीं रख सकते। ये एसेट से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, तो ऐसे प्रॉफिट को हम एस क्या कहते हैं, कहाँ ट्रांसफर करो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, टू कैपिटल रिजर्व, 10 रुपये। समझ आ रही बात? तो हमने क्या कहा, अगर हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इस एंट्री का शॉर्ट के अंदर क्या था कि अगर हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो लॉस नहीं है, गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। और एक बात और क्या सीखी, अगर वी पे लेस देन इट does not mean we earn, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कमा लिया, ये प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, बट रेवेन्यू नहीं, कैपिटल नेचर का है, सो वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्री एक्विजिशन इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो उस केस को हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और अगर प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, गुडविल लिखेंगे। सर ये अमालगमेशन और इन दोनों का सेम क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों जगह क्या हो रहा है, बिजनेस आ रहा है। समझ आ रही बात? कोई एक आइसोलेटेड एक एसेट वगैरह नहीं खरीदा है, यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा बिजनेस खरीदा है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर दोनों जगह वही कॉन्सेप्ट लगेगा, A14 वाला। तो अगर कोई प्रॉफिट है तो कैपिटल कैपिटलाइज कर दीजिए उसको, और कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए, और अगर लॉस है तो उसको गुडविल में कर दीजिए। समझ पा रहे हो? तो मालूम है कॉन्सेप्ट को लगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह क्या कर रहे हो, बिजनेस परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट पाइए, द प्रमोटर ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ए रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2011। 1st अप्रैल से हमने बिजनेस है जो लिया, कब से लिया, 1st अप्रैल 2011। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेशन ऑन 1st अगस्त, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st अगस्त। अभी तो हर बार सेम डेट आ रही है, क्या बात है, 1st अगस्त, एंड द एनुअल फाइनल अकाउंट वॉज मेड ऑन 31st मार्च। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। Which revealed the sales for the whole year 2011
टोटल 1600 लाख, आउट ऑफ विच सेल्स टिल 31 जुलाई वर 400 लाख। तो सेल्स तो सीधी दे दी है यहाँ तक की कितनी है, 400 लाख 1 अगस्त तक, और उसके बाद की कितनी, टोटल 1600 में 400 ये हो गया, तो बाकी का कितना बचा 1200 लाख की हो गया। तो आपका सेल्स रेशियो तो आपको मिल ही गया, कितना 400:1:3। जीपी वॉज 25%, तो जीपी सीधा ही लिख दीजिए, जीपी कितना हो जाएगा 400 का 25% मतलब 100 लाख, और यहाँ कितना हो जाएगा 1200 का 25% मतलब 300 लाख। द एक्सपेंसेज इस तरीके से दे रखे हैं, सब एक्सपेंसेज सैलरीज दे रखी है, अगर आगे कुछ नहीं दे रखा है तो आप टाइम रेशियो में बांटेंगे, सैलरी तो टाइम के हिसाब से होती है, रेंट रेट्स इंश्योरेंस इसको क्या करेंगे, रेंट भी टाइम के हिसाब से बांटेंगे, संडे एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से, ट्रेवलर्स कमीशन ये किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है तो हम किस में बांट देंगे, सेल्स रेशियो में, डिस्काउंट अलाउड किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में, बेटर्स किससे रिलेटेड है, सेल्स से तो सेल्स रेशियो में, डायरेक्टर फीस पोस्ट के अंदर डाल देंगे, टैक्स ऑडिट फीस है तो किस में डाल देंगे, सेल्स रेशियो में डाल देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट क्या सेल्स से रिलेटेड है, नहीं ये टाइम से रिलेटेड है, डिबेंचर इंटरेस्ट प्री में हो ही नहीं सकता, पोस्ट में होगा, क्योंकि डिबेंचर जो है वो इन कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने के बाद में ही हमने इशू किए होंगे, क्लियर। टाइम रेशियो भी दे रखा है कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ टाइम रेशियो 4:8। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है भाई। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नहीं कुछ भी नहीं दे रखे, सैलरी रेंट टाइम को टाइम के सेल्स के वगैरह के रेशियो में जो बांटना है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात होगी ही, क्लियर। आइए इलस्ट्रेशन थर्ड पे, इंद्र एंड विष्णु वर्किंग ऑन ए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड ऑन March 31st, 2011 टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट दे वर टुक ओवर द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द January 1st, 2011। तो हम एसेट कब से ले रहे हैं, 1st January 2011, ठीक है, और रजिस्टर्ड कब हुआ है, 1st May 2011 फॉर सम ऑफ 3 लाख, टुक ओवर फ्रॉम January 1st, 2011 फॉर सम ऑफ 3 लाख, एंड दैट अंटिल द अमाउंट इज डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ। अब उन्होंने कब से किया, 1st January से परचेज कर लिया और 3 लाख रुपये उन्होंने कहा कि हम पे कर देंगे, और जब तक पे नहीं कर देते तब तक के लिए हम क्या करेंगे, 6% के हिसाब से ब्याज देंगे। द अमाउंट वॉज पेड ऑन June 30th, 2011। अब अमाउंट जो वो हमने कब पे किया, June 30th, तो इसका देख ही लेते हैं। देखो 1 अप्रैल से लेके हमने कब दिया पेमेंट, June 30th, 30th June, 1st January, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने का, 6 महीने का ब्याज लगेगा, 6 महीने का ब्याज कितना हो सकता है, टोटल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12.06 × 6/12, तो टोटल ब्याज कितना होता है 9,000, जिसमें से पोस्ट का प्री का कितना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो पोस्ट के अंदर है तो 4 मंथ, तो कितना हो जाएगा प्री के अंदर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12.06 × 4/12, ये कितना हो जाता है 6,000, तो पोस्ट का कितना हो जाएगा 3,000। टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन द कंपनी इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1 ईच एंड अलॉटेड 7% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1,50,000 टू वेंडर एट ए पार। और उसका पेमेंट किया कैसे, देखो 3 लाख का पेमेंट कैसे करें, 2 लाख के तो हमने शेयर दिए हैं जो कितने पे दिए, 1 रुपये के प्रीमियम पे, तो 2,00,000 × 11 कितना हो गया, सॉरी 20,000 × 11
कितना हो गया 2,20,000, 3 लाख का पेमेंट करना था, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी 2,20,000, तो बाकी कितने बचे 80,000। अब इन 80,000 पे हमने क्या किया, डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन, एंड अलॉटेड 7% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1,50,000 टू वेंडर एट ए पार, और बाकी के हमने क्या किया 1,50,000 के डिबेंचर इश्यू किए 7% वाले। 80,000 से ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों किए होंगे, चलो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बताता है। द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फेलो ट्रेवलर्स लिमिटेड एंडेड ऑन 31st December 2011 एज फॉलो। देखो कोई पॉइंट अगर आपको समझ में आए ना तो ऐसा नहीं है कि वहीं पर रुक जाओ, चिंता मत करो, एग्जाम हो सकता है कि आगे कुछ दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा तो लास्ट में हमें उसको कुछ ना कुछ तो उसका ट्रीटमेंट करना ही। परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री 1,40,000, फ्रेट एंड कैरेज 5,000, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स जो उसने प्री के अलग से दिए, पोस्ट के अलग से दिए, इन्वेंट्री इन हैंड, सेल्स एंड वेजेज, डिबेंचर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, ये टोटल 9,000 का जो हमने प्री पोस्ट में डाल दिया। सेलिंग कमीशन किस में डाल देंगे, सेल्स रेशियो में कर देंगे, डायरेक्टर फीस पोस्ट के अंदर कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंटायरली रिलेटेड विद द कंपनी तो इसको भी कहाँ लिख देंगे, पोस्ट में लिख देंगे, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एट 5%। क्या करोगे भाई डिविडेंड का, वैसे ये है किससे रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, लेकिन क्या ये एक्सपेंस है क्या, क्या ये एक्सपेंस है क्या भाई, नहीं। डिविडेंड जो देते हो क्या एक्सपेंस है क्या, नहीं। कोई खर्चा कर रहे हो क्या, नहीं, ये शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट है, ये क्या चीज है, अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि हमने प्रॉफिट का बंटवारा है, कोई लॉस नहीं है। क्या ये पीएनएल में आना चाहिए क्या, नहीं, ये पीएनएल में नहीं आना चाहिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सैलरी एंड वेजेस नहीं दे रखा तो टाइम रेशियो में बांट देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड आल्सो शो हाउ दिस फिगर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब बैलेंस शीट के अंदर ये किस तरीके से एडजस्ट होंगे वो आपको दिखाना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो क्या है, इट वॉज अग्रीड दैट दे वर टेक ओवर द असेट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम January 1, 2011 फॉर ए सम ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपए में अपना असेट खरीदे, एंड दैट अनटिल द अकाउंट वॉज डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं। द कंपनी वॉज पेड ऑन, द अमाउंट वॉज पेड ऑन June 30, 2011 टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन। इस परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने क्या किया, द कंपनी इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम। ये हमने वेंडर को नहीं दिया, समझ आ रही बात, टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन हमने क्या किया 20,000 के ये इक्विटी शेयर इश्यू किए 10 ईच के, एंड अलॉटेड 7% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1,50,000 टू वेंडर एट ए पार, और उसके अलावा हमने 1,50,000, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो 3 लाख रुपये जो थे उसमें से क्या किया हमने, उस वेंडर को कहा कि ये 1,50,000 के तो तुम डिबेंचर पकड़ लो, ठीक है, बचे 1,50,000, तो इस 1,50,000 को पेमेंट करने के लिए हमने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किया, पैसा आया उसमें से हमने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया, क्लियर, तो हमारे लिए कोई झंझट वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, और कुछ है कुछ इन्फॉर्मेशन, नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करें, सो अब ये परचेज है उसके लिए क्या रेशियो, अगर परचेज का कुछ अलग से दे रखा होता तो अलग से करते, नहीं तो परचेज क्या मानेंगे कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सेल्स से, और ये भी किससे रिलेटेड है, सेल्स से, तो इसको क्या करेंगे, सेल्स से, और इसको भी सेल्स, ज़्यादा लॉजिकल है कि परचेज को सेल्स से लिंक किया जाए टाइम्स के बजाय, समझ आ रही है, तो ये किस में चला जाएगा, टाइम रेशियो में, ये किस में चला जाएगा, पोस्ट के अंदर, ये किस में चला जाएगा, टाइम रेशियो में। इंटरेस्ट को हम 6,000, 3,000 के रूप में बांट दे चुके हैं, क्लियर है। टाइम रेशियो कितना है वो दे रखा है क्या, अकाउंट कब बनाया हमने, टू 31st December तक का, तो प्रीमियम कितना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो टाइम रेशियो तो हो गया
1:2 और सेल्स रेशियो दे रखी 60,000 और 120,000, तो ये भी क्या है 1:2। क्लियर है। टाइम रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स 1:2। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड सैलरी एंड वेजेस डेप्रिसिएशन रेशियो 5:7 के कुछ दे रखा है क्या सैलरी वगैरह में? टाइम रेशियो 5:7 है क्या? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 31st है, सॉरी 31st में है, तो 5 और 7, तो टाइम रेशियो 5:7 है, सॉरी भाई 5:7। ठीक है। 5:7 सेलिंग कमीशन इसमें चला जाएगा, इंटरेस्ट और परचेज कंसिडरेशन हम कर चुके हैं। ठीक है। बाकी पोस्ट वाले में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस ये मत पूछिएगा कि ये पोस्ट में क्यों गया है, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने कहा है कि ये हमारा पोस्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमने क्या किया पोस्ट में ट्रांसफर किया है। क्लियर है भाई, कर लोगे? इसके बाद में क्या और कुछ पूछा है क्या? नहीं। एडजस्टमेंट क्या होगा यहाँ पर? बैलेंस शीट ये जो है प्रॉफिट हो रहा है क्या? 20,000 -4583 -3000 -7500 4917 का प्रॉफिट है, तो ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल लेजर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। ये इसकी बैलेंस शीट ट्राई कर लीजिएगा, वैसे हो जाएगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नहीं हो तो बता दीजिएगा। वैसे अपन सबसे लास्ट के अंदर जो ये और ये जो बैलेंस शीट वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा देंगे, वो क्लासेज भी उस टाइम 1.5-2 घंटे की कर देंगे, थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, क्योंकि उसका वैसे में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है। और एज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अगर आपके अच्छे हैं तो आपका एग्जामिनेशन पक्का ही है, आप ध्यान रखिएगा। एज तो आपको हर हाल के अंदर ही क्या करना है, अच्छे से ही तैयार करना है। द पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड एमए लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2012। The consideration was agreed at 1,17,00,000 based on the firm's balance sheet as on 31st December 2011. However, due to some procedural difficulty, the company could be incorporated only on 1st April 2012. अब देखो, asset कब से लिए? 1st January से, ठीक है? और उसके बाद में क्या है? इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1st अप्रैल को। फर्स्ट अप्रैल 2012 को हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। ठीक है। मीनवाइल द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन वॉज सेटल ऑन दैट डेट विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। और हमने क्या किया उस दिन, हमको पेमेंट भी कर दिया कितने का? 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो कितना हो गया? जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा, अकाउंट कब बनाते हैं वो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। द सेम बुक ऑफ अकाउंट वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोज द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31st March और प्रिपेयर समराइज प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से। अब ये जो है कब हुआ है, अकाउंट कब क्लोज किया हमने? 31st March को। 31st March, ठीक है। तो प्री में तो कितना हो गया? जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ। पोस्ट के अंदर कितना हो गया? फर्स्ट अप्रैल से 31st March, मतलब 12 मंथ। ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह देख लेंगे। द कंपनीज ओनली बोरिंग वॉज लोन ऑफ 50,00,000 एट 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन। अब देखो, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना कब था? 1st January को खरीदा तो 1st January को करना था, लेकिन हमने पेमेंट किया कब है? वो कह रहा है कि हमारी इनकॉर्पोरेट हुई 1st April 2012 और उसी दिन हमने क्या किया, उसको पेमेंट किया। तो और वो भी कितने के साथ? 12% पर एनम के ब्याज के साथ। तो ये कितना हो गया? 1,17,00,000। ब्याज कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन 1,17,00,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 12%। कितने महीने के लिए?
3 month के लिए, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो गया 3,51,000। तो इस पे हमने इंटरेस्ट कितना दिया है 3,51,000, ठीक है। अब देखो सेल्स जो है वो किस में बांट देंगे, सेल्स रेशियो अगर दे रखा है तो अभी देखते हैं क्या दे रखा है। बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सेल्स रेशियो में, सैलरी को टाइम रेशियो में, डेप्रिसिएशन को टाइम रेशियो में, एडवर्टाइजमेंट को सेल्स रेशियो में, डिस्काउंट को सेल्स रेशियो, मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन, एमडी तो बनता ही किसमें कंपनी में, तो ये कहाँ चला जाएगा पोस्ट में चला जाएगा, मिसलेनियस ऑपरेशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में, ये टाइम रेशियो में। इंटरेस्ट जो है इसका देखते हैं, देखो कंपनी द ओनली बोरिंग ऑफ लोन वॉज 50 लाख एट 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट के लिए हमने सिर्फ एक ही लोन है जो हमने 50 लाख का लिया 12% के हिसाब से, तो मतलब टोटल जो आपका इंटरेस्ट है उसमें से, वो कह रहा है पोस्ट के अंदर एक ही लोन चल रहा था, मतलब कि अभी तक टोटल हमने लोन एक ही लिया, तो प्री का अगर हटा दोगे तो बाकी जो सारा सारा वो किसमें पोस्ट के अंदर ही चला जाएगा। अब दोनों तरीके, एक तो आप क्या कर दो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो कितना आ गया ये 6 लाख, तो 6 लाख तो ये हो गया पोस्ट का, और प्री का कितना हो गया 351, तो दोनों मिला के टोटल आपका 951 का ब्याज हो गया। द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स, द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फॉर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, बट द सैलरी इज ट्रिपल फ्रॉम दैट डेट। वो क्या कह रहे हैं, सेल हमने क्या कर दी, अगर ये हो गया आपका 1 जनवरी, हो गया 1 अप्रैल, ये होगा 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, और ये वो क्या कह रहा है, द कंपनी एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स। अगर पहले मंथली सेल उनकी 1 रुपया थी, तो इन के बाद में 1 अप्रैल के बाद उन्होंने क्या कर दिया 2 कर दिया पर मंथ, ठीक है, तो इनका सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा 3:24, सेल्स रेशियो इनका क्या होगा 3:24, 1:8, ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल, बट द सैलरी ट्रिपल फ्रॉम द दैट डेट। सैलरी जो ट्रिपल हो गई, मतलब यहाँ 3 महीने अगर 1 रुपये सैलरी थी, तो यहाँ 12 महीनों में हर महीने की सैलरी कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई, मतलब 3, तो 12 × 3 कितना 36। तो सैलरी के लिए आप रेशियो क्या यूज करोगे 3:36, तो ये कितना हो गया 36 / 3 = 1:12। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 July 2012 फॉर विच रेंट वॉज 30,000 पर मंथ। वो कह रहे हैं देखो बाकी तो रेंट जो वो अपने टाइम रेशियो पे जा रहा है, टाइम रेशियो पे जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि एक हमने एडिशनल स्पेस लिया कब से, 1 July 2012 से, तो ये तो 1 जुलाई मतलब कि 1 अप्रैल के बाद में, मतलब कि ये जो ब्याज है इस एडिशनल जगह पे वो तो पूरा का पूरा पोस्ट के अंदर है, तो ये पोस्ट के अंदर कितना है रेंट टोटल कितना है आपको भाई, मैनेजिंग डायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑफिस कम शोरूम रेंट टोटल कितना दिया आपने 7,20,000, ठीक है, इसमें से एडिशनल स्पेस का कितना है जुलाई में लिया आपने, जुलाई से लेके कितने हो गए 9 मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने, ठीक है, तो 9 मंथ × 30,000 कितना हो गया 2,70,000। ये तो स्पेसिफिकली पोस्ट से हो गया, समझ आ रही बात, ये तो क्या हो गया स्पेसिफिकली पोस्ट से हो गया 720 - 270, क्योंकि ये जगह तो पहले थी नहीं, और 450 जो है वो क्या है वो नॉर्मल जगह का, तो वो हम क्या करेंगे उसको किस रेशियो में बांटेंगे टाइम रेशियो में। अगर ये लाइन नहीं देख रखी होती तो पूरे को टाइम रेशियो में बांटते, लेकिन ये कह रहे कुछ एडिशनल है स्पेस का है, तो वो तो हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया प्री में कर दिया, तो कितना हो गया 4,50,000 × 3/15, तो ये कितना हो गया प्री में 90,000, और पोस्ट में कितना हो जाएगा 4,50,000 × 12/15 कितना हो जाएगा 3,60,000, तो पोस्ट में कितना हो जाएगा 3,60,000 ये, और 2,70,000 एडिशनल स्पेस का, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा 3,60,000 + 2,70,000, तो पोस्ट में कितना चला जाएगा 6,30,000, क्लियर। प्रिपेयर स्टेटमेंट अपॉर्शनमेंट के लिए जो है वो अटक क्यों रहा है भाई, आईपैड लिया फिर भी अटक रहे हो,
नल है। देखो सेल्स रेशियो, ठीक है, सेल्स रेशियो हमारे पास आ गया क्या, सेल्स रेशियो 1:8, तो इसको क्या कर देंगे 1:8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1:8, सैलरी, सैलरी के लिए हमने स्पेसिफिक कर लिया 1:12 के रेशियो में, डेप्रिसिएशन टाइम के रेशियो में 3 महीने पहले के और 12 महीने बाद के, मतलब ये कितना हो गया टाइम रेशियो क्या है 1:4, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में, सेल्स रेशियो कितने 1:8, डिस्काउंट 1:8, सेल्स रिलेटेड पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर का, ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में, ठीक है, और शोरूम वाला कैलकुलेट कर चुके हम और इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या कर देंगे, देखो रेंट हम कर चुके हैं, बाकी सारा सारा ये दो वर्किंग नोट हो गया सैलरी वगैरह के लिए, सैलरी के लिए और उनके लिए, इसलिए ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह सारा बाकी काम ने कर चुके हैं, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कितने क्वेश्चन और है, 5, 6, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, या ऐसा करता हूँ मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ ताकि आप फिर इसको ट्राई कर सकते हो। ABC लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त, समराइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2012। तो वही सिचुएशन, प्रीमियर कितना 1st अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, और पोस्ट के अंदर कितना 8 मंथ, तो टाइम रेशियो इनका कितना हो गया 4:8। सैलरी टाइम रेशियो, स्टेशनरी टाइम रेशियो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड मतलब कि बिजनेस रिलेटेड है, सेल्स रिलेटेड है, सेल्स रेशियो, रेंट टाइम रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशियो, डायरेक्टर फीस पोस्ट के अंदर चली जाएगी, बेटर सेल्स रिलेटेड है सेल्स रेशियो, कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल्स रिलेटेड है सेल्स रेशियो, टैक्स ऑडिट सेल्स रिलेटेड है सेल्स रेशियो, डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी से रिलेटेड है, मतलब कंपनी होने के बाद पोस्ट है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, अब ये यहाँ पर अगर इसका कुछ भी नहीं दे रखा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ये मानेंगे कि प्री के अंदर इनकॉर्पोरेशन से पहले ही दे दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ दे रखा है तो फिर उसके हिसाब से करें, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे कि उसको इनकॉर्पोरेशन से पहले हम पेमेंट कर चुके, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 19,20,000 अरोज इवनली अप टू द डेट ऑन 30th 9 2011, देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन अप 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। सर ये क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से करना चाहता है, देखो वो क्या कह रहा है, टोटल सेल है जो उसकी 19,20,000 जिसमें से उसकी क्या हुई, ये है कब से कब तक का अपना 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक का, ये 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक का, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30th 9 तक, ये हो गई आपकी 30th 9, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि ये तो 6 महीने थे 6 मंथ, ठीक है, अरोज इवनली अप टू द डेट ऑन 30th 9 2012, देयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, और बाकी इसके बाद में उनका क्या हुआ, सेल जो थे उसके अंदर क्या हुआ 2/3 का इंक्रीज हो गया, तो अगर यहाँ उनकी 1 रुपये की सेल हो रही थी तो यहाँ कितनी हो गई 1+ कितना 1+ दे इंक्रीज 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ, और इसका 2/3 इनके अंदर इंक्रीज हो गया, तो मतलब कि 1+ 2/3, तो कितना हो गया इनकी सेल, 3 को कॉमन ले लिया तो 3+2 मतलब कि कितना हो गया 5/3, तो आगे वाले जो साल थे आगे वाले जो महीने थे वहाँ पर कितना हो गया 1 की जगह कितना हो गया 5/3, तो 6 into 1 कितना हो गया यहाँ
6 और यहाँ कितना होगा 6 × 5 / 3 तो कितना हो गया 10। तो इनका सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा 6 × 10 एक सेकेंड है 6x और ये हो गया 6 × 2 सॉरी ये तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया सॉरी बहुत बहुत एक बार माफ कर दीजिएगा गलती हो गई मैं थोड़ा भावना में गया जल्दी के चक्कर में। ये तो हो गया 6 × 10 कि पुराने जो यहाँ थे 6 महीने इनमें 6 और इसके अंदर 10 लेकिन हम इनकॉर्पोरेट कब हुए हैं 1 अगस्त को हमें इनकॉर्पोरेट कब हुए 1 अगस्त को ये रहा 1 अगस्त तो हमारा प्री का पोर्शन कितना है ये पोर्शन है और पोस्ट का पोर्शन कितना है ये पोर्शन है। तो प्री के अंदर कितना है देखो पहले कितनी हो रही थी सेल 1 की हो रही थी तो प्री के जो महीने थे वो कितने महीने थे 4 महीने थे तो पहले 4 महीने कितने के हिसाब से सेल हो रही थी 1 के हिसाब से 4 × 1 कितना हो गया 4। और पोस्ट के अंदर अगर बात करें तो 2 महीने तो सेल कितने के हिसाब से थी 1 के हिसाब से थी और 6 महीने जो सेल थी वो कितने के हिसाब से 5/3 के हिसाब से थी तो पोस्ट में कितना हो गया 2 × 6 × 5 / 3 कितना 10 तो पोस्ट में कितना हो गया टोटल 12 तो 4 × 12 कितना हो गया 4 × 12 सॉरी ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने ठीक है पढ़ने में और आप भी ऐसा ना करें ध्यान रखें ठीक है। रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड 2000 पर मंथ अप टू सेप्टेम्बर 2011 देयर आफ्टर इट वॉज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ तो प्रीमियम कितना हो जाएगा पहले के 4 महीने कितना था 2000 पर मंथ के हिसाब से था ठीक है तो 4 × 2000 तो प्रीमियम कितना हो गया 8000 और पोस्ट के अंदर कितना हो जाएगा बाकी जो बचा हो पोस्ट के अंदर ही हो जाएगा कहाँ है कौन सा रेंट है हाँ पहले जो है वो 8000 और बाकी का पोस्ट के अंदर चेक कर लीजिएगा बाकी का भी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4800 टुवर्ड्स द सेल्स प्रमोशन अब देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या कह रहे हैं अगर नहीं दे रखा होता तो हम क्या कर रहे थे पूरा का पूरा सेल्स से रिलेटेड मान के उसको क्या कर रहे थे सेल्स रेशियो मान रहे थे लेकिन ये क्या कह रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो टोटल है 16800 उसमें से क्या है 4800 जो है वो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है 4800 जो है वो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड कितना है 4800 तो बाकी कितना बचा 12000 वो क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम क्या मानेंगे उसको नॉर्मल मानेंगे कि उसको सेल्स से रिलेटेड नहीं है तो ये जो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है उसको क्या कर देंगे सेल्स रेशियो में और इसको किस में बांट देंगे नॉर्मल का उद्देश्य नॉर्मल मानेंगे उसको क्या कि भाई ये सेल के लिए नहीं हुआ मतलब कि नॉर्मल हमारी ट्रैवलिंग हुई है जैसे और बहुत सारे होते हैं ना जैसे आप कोई सेल से रिलेटेड नहीं है ये परचेज से रिलेटेड मतलब कि जैसे ऑफिस काम के लिए ट्रैवलिंग होती है नॉर्मली वो सारी ट्रैवलिंग है उससे रिलेटेड खर्चा है तो ये जो उसको क्या कर देंगे टाइम रेशियो में बांट देंगे समझ आ रही है ये यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो आपका 12000 है उसको तो टाइम रेशियो में बांट दिया और बाकी 4800 सेल्स रेशियो अगर नहीं होता कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरे को सेल्स से रिलेटेड मान के सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड 600 फॉर द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड अब डेप्रिसिएशन कितने का लिखा है भैया कहाँ चला गया डेप्रिसिएशन देखो 9600 का इसमें से वो क्या कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर द एसेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक एसेट है जो हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल परचेज किया और उसका ऊपर ब्याज लगा डेप्रिसिएशन लगाया हमने कितने का 600 का जो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है पोस्ट से रिलेटेड है क्योंकि मशीन खरीदी पोस्ट में थी तो बाकी कितना बचा 9000 इस 9000 को क्या कर देंगे टाइम रेशियो में बांट देंगे क्लियर क्योंकि ये एसेट है जो पहले से चलती आ रही परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाई द कंपनी ऑन 30 सितंबर 2011 बाई इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10H अब परचेज कंसिडरेशन हमने कब दिया है 10 तारीख को दिया है सॉरी 30 सितंबर को दिया है तो परचेज कंसिडरेशन के अंदर कुछ ब्याज वगैरह दे रखा है क्या इंटरेस्ट पे टू वेंडर अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम प्रीमियम करते हैं लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक का है तो हमने ब्याज कब से कब तक का लिया 1 अप्रैल को हमने परचेज किया और 1 अगस्त को हम इनकॉर्पोरेट हुए और ब्याज दिया हमने कब तक का 31 सितंबर
30th सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तो प्री में, और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, और अगस्त और सितंबर 2 महीने पोस्ट के अंदर। 4:2 के अंदर क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या 2:1 के अंदर कर लोगे भैया। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन 6, एबीसी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2011 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीईएफ एंड कंपनी फ्रॉम 1/1/2011, द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस एज गिवन बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, इस तरीके से दे रखा है, जीपी दे रखा है, रेंट टैक्सेस सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजिंग सैलरी ऑफ ₹80, मैनेजर सैलरी ऑफ ₹85,000। अब क्या दे रखा है आगे देखते हैं क्या है, बाकी प्रिंटिंग वगैरह दे रखा है, देखते हैं सारे एक्सपेंसेस। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन, देखो अगर ये भी एडिशनल पॉइंट नहीं दे रखा होता तो क्या होता, इसको केस में सेल्स रेशियो में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को, टाइम रेशियो में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है जो वो तो फिक्स रेट से मिलता है, इसको क्या करते हैं टाइम रेशियो में, सैलरी जो है वो क्या करते हैं, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मैनेजर जो है उसको मैनेजर को फिर ये हो सकता है वो कंपनी का मैनेजर माने तो ये पूरा पोस्ट में डाल देते हैं, बाकी का प्री में, या फिर पूरा का टाइम रेशियो में भी कर सकते थे। कैरिज आउटवर्ड सेल्स रेशियो, प्रिंटिंग स्टेशनरी कम टाइम रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कम पोस्ट में करते हैं, सेल्स कमीशन कम सेल्स रेशियो में करते हैं, बैड डेट्स कम सेल्स रेशियो में करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन कम किस में करते हैं पोस्ट में। सर ऐसा है क्यों, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन शेयर इशू करने के लिए होता है, और शेयर इशू तभी करते हैं जब हम कंपनी बन चुके हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम पोस्ट के अंदर करते हैं, ऑडिट फीस जो हो, अब यहाँ पर दोनों में से कुछ भी मान सकते थे, कंपनी ऑडिट मानते तो पोस्ट के अंदर, और टैक्स ऑडिट मानते तो प्री और पोस्ट के अंदर, दोनों में से मतलब सेल्स रेशियो में, ठीक है, तो हम इसको कोई भी मान सकते थे। जैसे मैं अगर इसको अज्यूम मान करता हूँ टैक्स ऑडिट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका क्वेश्चन को बताना होगा, और अगर नहीं बताना है तो फिर हमने को अज्यूम ही करना पड़ेगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड जो है कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में करना, जीपी रेशियो वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, वो कह रहा है जीपी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम ही रहा, 30% था तो 30%, 20% था तो 20%। सेल्स फॉर द जनवरी एंड अक्टूबर वॉज 1.5 times ऑफ एवरेज मंथली सेल्स, वाइल द सेल फॉर दिसंबर वॉज 2x ऑफ द एवरेज मंथली सेल, वो कह रहा है कि जनवरी और अक्टूबर के अंदर क्या हुआ, 1.5 गुना सेल हुई एवरेज मंथली सेल की। अब यहाँ पर देख लो, एक बार देख लेते हैं, इनकॉर्पोरेट हुई है 1/5 को फ्रॉम द 1/1/2011 से हम बिजनेस कर रहे हैं, और 31 दिसंबर 2011 तक का हमारा है, और इनकॉर्पोरेट हुए हम 1/5/2011, तो कितना हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, प्री में कितना 4 months है, और पोस्ट में कितना है 8 months, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सेल्स फॉर द जनवरी एंड अक्टूबर वॉज 1.5 months, जनवरी में कितना है 1.5 मतलब 3/2, ठीक है, या फिर 1.5 लिख देते हैं, जनवरी में 1.5 और किस में अक्टूबर में 1.5, ये अक्टूबर में 1.5, क्लियर है। दिसंबर में 2x ऑफ द एवरेज मंथली सेल, और दिसंबर में कितना है 2x है, मतलब 2 है, ठीक है। बाकी का नहीं दे रखा, मतलब बाकी नॉर्मल है, तो जनवरी में 1.5, फरवरी में 1, मार्च के अंदर 1, और अप्रैल के अंदर 1, ठीक है, मई के अंदर 1, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया, नवंबर और दिसंबर, 8 महीने हो गए क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, तो प्री में कितना हो गया टोटल सेल आपकी 4.5, और पोस्ट के अंदर कितने हो गए 1.5 into 2, 9.5, तो 4.5 और 9.5 इनका क्या हो जाएगा सेल्स रेशियो हो जाएगा, एक सेकेंड कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, 2x ऑफ एवरेज मंथली सेल्स,
जनवरी टू अप्रैल 4.5 कैसे आ रहे हैं? हाँ 4.5 आ रहे हैं, ठीक है। और मई टू दिसंबर 9.5 आ रहा है, तो सेल्स रेशियो अच्छा 9 and 9 यही है, ठीक है। तो 4.5 और 9.5 है, ठीक है। 4.5 को अगर पॉइंट हम हटाना है तो इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देती है, 9 और 9.5 से 19 हो गया। तो ये इस तरीके से किया, ठीक है। बैड डेट्स आर सोन आफ्टर एडजस्टिंग द रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट्स रिकवर फॉर द सेल्स मेड इन जुलाई 2010। वो कह रहा है कि जुलाई 2010 के अंदर, अभी हम कब है 2011 के अंदर, 2010 के अंदर, मतलब कि ये जो बैड डेट्स रिकवरी है पूरी की पूरी किससे रिलेटेड है? प्री इनकॉर्पोरेशन। तो बैड डेट्स जो है वो कितने का लिखा उन्होंने? 91,000 का। बैड डेट्स कितने का है? 91,000 आफ्टर एडजस्टिंग द रिकवरी ऑफ 7,000। इसमें क्या कर दिया हमने? रिकवरी को एडजस्ट कर दिया, मतलब एक्चुअल के अंदर बैड डेट्स कितने का था आपका? 98,000। समझ आ रही बात? एक्चुअल बैड डेट्स कितने का था? 98,000, जिसमें 7,000 की जो रिकवरी उसको एडजस्ट करके हमने टोटल कितने का लिखा? बैड डेट्स 98,000। ये जो 7,000 की रिकवरी जो थी वो किससे रिलेटेड है? पूरी की पूरी किससे रिलेटेड है? प्री से, क्योंकि जुलाई 2010, अभी 2011 2010 से रिलेटेड है। इस 98,000 को हम क्या करेंगे? प्री और पोस्ट में बांटेंगे सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है आपका? 9:19। 9 + 19 कितना हो जाता है? 28। तो 98,000 / 28 / 9 प्री में आ जाता है आपका 31,500 और -98,000 पोस्ट में आ गया आपका 66,500। इस प्री में से 7,000 जो रिकवर हो गए, एडजस्ट हो गए। तो प्री का मतलब अल्टीमेटली कितने का बैड डेट्स है? 31,500 - 7,000 = 24,500 और पोस्ट में कितना है? 66,500। और बोली समझ आ गया होगा। देखो वो कह रहे हैं बैड डेट्स जो वो आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000, 7,000 की रिकवरी एडजस्ट करने के बाद है, मतलब कि रिकवरी को एडजस्ट करने से पहले कितने का प्रॉफिट था? 91,000 + 7,000 टोटल कितने का था? 98,000 का बैड डेट्स था, जिसमें 7,000 की रिकवरी एडजस्ट की। अब 7,000 की रिकवरी जो स्पेसिफिकली प्री से रिलेटेड है, तो एक्चुअल बैड डेट्स तुम साल भर का कितना है? 98,000, उसको प्री और पोस्ट में बांटा और जब प्री की रिकवरी हो प्री में से एडजस्ट कर। मैनेजर सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/2011। तो जो इंक्रीज वाला वो हटा दीजिए, बाकी का टाइम रेशियो बांट दीजिएगा, ठीक है। और बाकी की सैलरी भी टाइम रेशियो। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल 2011, अप्रैल के अंदर सेल किए, मतलब कि इन पर कॉर्पोरेशन से पहले। इसका मतलब क्या है? ये लॉस जो है वो पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? प्री में चला जाएगा। एंटायर ऑडिट फीस रिलेटेड टू कंपनी पूरा पोस्ट में चला जाएगा। इसके साथ आपका ये सिक्स जो है वो भी खत्म होता है। क्वेश्चन क्लियर है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने? प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं तीन दे रखे हैं, तीनों आपके लिए होमवर्क है, कीजिएगा और बताइएगा कि हुए आपसे या नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर कि। और ये भी बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन उसके हुए या नहीं हुए, जरूर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।